हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बोर्स पोस्टुलेट्स। तो बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं, तीन पोस्टुलेट्स उसने दिए हैं वो क्या हैं, उसको अभी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बोर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है। अच्छा, पहली बात तो ये कि पोस्टुलेट्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो बेसिकली पोस्टुलेट्स को अगर मैं एक बहुत ही रफ भाषा में कहूँ तो वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर बेसिकली कह रहा है एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को देखते हुए। यानी कि उसके लिए उसने कोई डेरिवेशन नहीं किया हुआ है, उसके लिए कोई उसने थियोरेटिकल प्रूफ सप्लाई नहीं किया, उसके लिए उसने कोई मैथमेटिक्स नहीं किया है। बट बिकॉज उसने देखा कि कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड हमेशा रिपीट करने पर एक्सपेरिमेंट वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो बिकॉज एक्सपेरिमेंट इज द अल्टीमेट आर्बिटर, है ना, अल्टीमेट जज। तो अल्टीमेट जज एक्सपेरिमेंट ही है ना, हर चीज का जो प्रूफ है, सफाई है, वो हमको फाइनली यही बताता है। एक्सपेरिमेंट्स ही बताते हैं कि वो थ्योरी सच है या नहीं। तो जब एक्सपेरिमेंट ही आखिरी जज है, तो एक्सपेरिमेंट को देखते हुए बनाए गए कुछ स्टेटमेंट्स पॉस्टुलेट्स कहलाते हैं। तो बोर का जो पहला पॉस्टुलेट है वो क्या था कि उसने रदरफोर्ड के मॉडल को पूरी तरीके से नकारा नहीं, उसका एक पार्ट रखा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है बेसिकली ऑर्बिट में, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। एंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो बेसिकली उसको एक चाहिए होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो किस रूप में मिलता है, उसको किस फॉर्म में मिलता है। तो बेसिकली वो मिलता है उसको कूलम अट्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है ना, और एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे अगर ज्यादा रही तो टोटल एनर्जी नेगेटिव में आएगी और एक बाउंड स्टेट बन सकेगा, बाउंड स्टेट बन सकेगा। ठीक है, चलिए सर, तो वो सब चीजें तो आगे की हैं। बोर ने क्या कहा शॉर्ट में, हमारे जो सिलेबस में दिया होता है 12th स्टैंडर्ड के, उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर दिस मोशन इज प्रोवाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक और सिंपली कूलॉम्ब अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं mv2/r। ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये जस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के मामले में, जो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो बेसिकली वो जो फोर्स प्रोवाइड किया है वो ग्रेविटी ने प्रोवाइड किया है ना। ग्रेविटी एक ऐसा इनविजिबल चेन की तरह अर्थ को पकड़े हुए है और सन जो है अर्थ को अपने आसपास इर्द गिर्द घुमा रहा है। तो mv2/r, ठीक है, ये होगा सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो है बेसिकली वो कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे कौन देगा, वहां पे ग्रेविटी ने दिया, तो आप क्या लिखेंगे, mv2/r इक्वल्स टू gm1m2/r2, वो अर्थ और सन के मामले में। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे 1/4πε0 q1 q2 upon r2। अच्छा, अब हम लोग जो है सबसे सिंपलेस्ट मॉडल लेंगे, है ना, हाइड्रोजन का मॉडल लेंगे। तो हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक प्लस ई ले लिया और एक माइनस ई ले लिया। ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये मॉडल जो है अप्लाई होता है न सिर्फ हाइड्रोजन पे, बल्कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं, एच लाइक एटम्स, ये वन इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब आप बोलेंगे सर वन इलेक्ट्रॉन एटम तो फिर हाइड्रोजन ही तो हुआ, नहीं, एच ई प्लस भी तो होता है ना, फिर लिथियम प्लस प्लस, बेरिलियम प्लस प्लस प्लस।
थोड़ा और आगे जा सकते हैं एक दो एलिमेंट्स, लेकिन बहुत आगे जाने पर फिर वो वन इलेक्ट्रॉन एटम होने के बाद भी काफी ज्यादा वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं, बट लेट्स नॉट गो इन टू दैट। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन एटम पे अप्लाई हो रहा है, क्या ये हीलियम पे टू इलेक्ट्रॉन एटम पे अप्लाई नहीं होगा? न्यूट्रल हीलियम पे जो 2He4 है बिना इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या उस पर अप्लाई नहीं होगा? नहीं, अप्लाई नहीं होता ये वाला। और फिर उसके बाद में हीलियम क्या किसी पे अप्लाई नहीं होता है? सिर्फ हाइड्रोजन पे अप्लाई होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिर्फ हाइड्रोजन पे या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो मैंने अभी लिखे इन पर ही ये मॉडल अप्लाई होता है और किसी पे भी अप्लाई नहीं होता है। तो आप बोलेंगे सर इसके आगे के मॉडल्स क्या है? तो एक्चुअली इसके आगे के मॉडल्स इन द सेंस थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन होता चला गया। अभी काफी हद तक अच्छा मॉडल हमको मिल चुका है जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। बीच में बहुत सारे मॉडल आए, बोर सॉमरफील्ड मॉडल इसी का थोड़ा एक्सपांशन था जिसमें बेसिकली सर्क्यूलर ही नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी होंगे। उसके बाद और भी चीजें आती गई, तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है उससे जो मॉडल बना है बेसिकली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ऑफबॉ प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है, हंस रूल इस्तेमाल किया गया है, और जिसके अंदर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बाय पॉल डिराक जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो वो करते 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 हम बहुत आगे आ चुके हैं और मॉडल काफी अच्छा बन चुका है, बट उसके बावजूद भी क्वांटम मैकेनिकली और हाथ से मैन्युअली सॉल्व करना बेसिकली टू इलेक्ट्रॉन एटम भी नाक में दम कर देता है। तो टू इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी हीलियम के लिए भी सॉल्व कर पाना जो है क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशंस बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम फिर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं और एक रफ पैटर्न हमें जो है मिल जाता है। और वैसे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का जोड़ मिला के, जैसे केमिस्ट्री में जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट जो है, हालांकि दिया वो फिजिक्स नहीं है, बट एनीवे, तो ये जो ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट मिला के, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन कैसी क्या होगी, एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स, दुनिया भर की चीजें मिला के हम एक काफी हद तक एक अच्छा मॉडल एटम्स का बना पाए हैं। ठीक है, बट फिलहाल हमारा जो स्कोप है बेसिकली सिलेबस का, खास करके ट्वेल्थ के सिलेबस का, तो बेसिकली वो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम इससे आगे ज्यादा बातें ना करें। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक, अच्छा हाइड्रोजन रहा तो भैया एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिकली हीलियम रहा, हीलियम प्लस, तो उसमें टू प्रोटॉन्स रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन्स। ठीक है, और उसके बाद अगर लिथियम प्लस प्लस रहा तो एक इलेक्ट्रॉन तीन प्रोटॉन। ठीक है, और बेरिलियम प्लस 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 रहा तो एक इलेक्ट्रॉन और चार बेसिकली क्या हो जाएगा अपने पास प्रोटॉन्स। तो क्यों ना मैं सिंपली यहाँ पे Z लिख दूं, है ना, तो मैं यहाँ पर जो है बेसिकली Z लिख देता हूँ, क्योंकि Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अरे भाई प्रोटॉन का नंबर ही तो एटॉमिक नंबर कहलाता है ना, प्रोटॉन का नंबर। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखिए कि प्रोटॉन के नंबर को ही एटॉमिक नंबर बोलिए, इन ट्रू सेंस प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है ना दरअसल एक पहचान है किसी एलिमेंट की, और ये पहचान क्या है, बदलनी नहीं चाहिए। और प्रोटॉन का नंबर कभी बदलता नहीं है नॉर्मली, इन जनरल प्रोटॉन का नंबर बदलता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी एटम की स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा होती है। एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं। अरे एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जीज जो होती हैं बेसिकली, एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जीज वो किस में होती हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जीज जो होती हैं वो होती हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन टाइम्स ज्यादा। तो इसलिए न्यूक्लियस काफी हद तक स्टेबल रहता है ना, तो न्यूक्लियस स्टेबल रहता है तो प्रोटॉन्स इधर से उधर नहीं जाते हैं। तो रिएक्शंस हमें न्यूक्लियस के नहीं, एटम्स में जो हम कहते हैं ना कि रिएक्शन देखने मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन, वो किस में देखने मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स में देखने मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी खींच सकता है, इधर से उधर फेंक सकता है, लेकिन उसके प्रोटॉन्स को नहीं खींच सकता। तो इस वजह से हमें एटॉमिक नंबर जो असाइन करना चाहिए ना, ये प्रोटॉन के नंबर को असाइन करना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप NaCl मॉलिक्यूल देखेंगे तो Na के पास 11 हुआ करते थे, Cl के 17 हुआ करते थे। अब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो भैया ये बन गया Na+। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अभी भी 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसके पास अभी भी 11 है, तो इसीलिए उसका नाम सोडियम है। अरे अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर होता, और एटॉमिक नंबर को ही हम अगर पहचान कहते हैं, तो पहचान बदलनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया तो भाई इसको सोडियम के बदले आप नियॉन कहिए फिर, नहीं ना, ऐसा नहीं कहते ना, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 11 है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे Cl जो है वो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Cl- बन गया, तो इसके पास बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए,
लेकिन प्रोटॉन का नंबर अभी भी 17 है, प्रोटॉन का नंबर अभी भी 17 है, तो इसलिए इसकी पहचान नहीं बदली है। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए एनीवे, हाँ न्यूट्रल एटम अगर रहेगा, अकेला आइसोलेटेड एटम रहेगा, तो उसमें बेसिकली प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर ही होता है, तो वहां पर हमें ये चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर होना चाहिए। चलिए खैर, तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो बेसिकली यहां पर मैंने जो लिखा है इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूं। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज जेड ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस साइन है ना, वील जस्ट लेट गो ऑफ इट, उसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे माइनस साइन को, बिकॉज माइनस साइन सिंपली इंडिकेट करता है कि यानी कि अट्रैक्शन जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको एक फोर्स पुल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, क्योंकि रेडियस वेक्टर जो होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊँ और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनाऊँ और उसको इसके आसपास घुमाऊँ, तो हमारा जो रेडियस वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है ना, तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ना, अंदर की तरफ। तो बेसिकली जो फोर्स है उसका साइन रेडियस वेक्टर के अपोजिट है, तो ये अट्रैक्शन बताता है। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव आता है ना, फिर ये रिपल्शन बताता है ये चीज, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा ध्यान न देते हुए माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे, है ना, फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। फोर्स के फॉर्मूले में माइनस साइन यूज करना है तो करिए या मत करिए, बट पोटेंशियल एनर्जी का जब आप फॉर्मूला लेंगे ना, तो वहां पे प्लस माइनस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के मामले में प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रखना। चलिए एनीवे, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन भी कह देते हैं। अब आते हैं बोर के सेकंड पोस्टुलेट पे। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है, चलिए उसको दूसरे कलर से बनाते हैं। तो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या कहता है, देखिए रदरफोर्ड ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में घूमते हैं, बोर भी यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो भैया फर्क क्या रहा, फिर बोर ने क्या इम्प्रोवाइजेशन किया। तो बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन जस्ट एनी ऑर्बिट ऑफ एनी रेडियस, रादर दे ऑर्बिट इन ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। तो बेसिकली वो रिवॉल्व करते हैं सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, एंड इसको उसने कहा स्टेबल ऑर्बिट्स। स्टेबल ऑर्बिट्स मतलब सब जगह पे नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन को हर रेडियस पर घूमने की अनुमति नहीं है, उसे बेसिकली उसे परमिशन नहीं है, उसे सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स में ही घूमना अलाउड है, कुछ ऑर्बिट्स में ही घूमना अलाउड है। तो वो जो कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनमें उसे घूमना अलाउड है, उन्हें उनका नाम रख दिया स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ये स्टेबल ऑर्बिट्स की खासियत क्या है कि वाइल इन दीज ऑर्बिट्स दी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, और जब एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, तकलीफ तो यही थी ना रदरफोर्ड के मॉडल से कि भाई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली वो रेडिएट करेगा, और रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो बेसिकली डिस्टेबलाइज हो जाएगा, है ना, स्पाइरल इनवर्ट्स करके वो जो है खत्म हो जाएगा। तो इसने यही कह दिया ना कि ऐसा हर ऑर्बिट में मत घुमाओ, हर ऑर्बिट में अगर घूम सकता तो सच में वो रेडिएट ऐसी करेगा एनर्जी, लेकिन कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ऐसा बोर ने कहा, ठीक है। तो अब बेसिकली ये जो चीजें हैं इनको आप बस फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कीजिए। एक्चुअल में आप बोलेंगे कि सर ये कैसा वैसा ऐसा, ये तो घूम तो रहा ही है ना, तो मैक्सवेल की इक्वेशन तो बेसिकली वायलेट हो रही है, एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई पोस्टुलेट है, इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ आया नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आया नहीं है, मतलब आया नहीं इन द सेंस अभी आ चुका है, उस जमाने में नहीं आया हुआ था, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना है। चलिए खैर, तो बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ओके, दीज स्टेबल ऑर्बिट्स फॉर्म एट डिस्टेंसेस वेयर वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम
ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। तो बेसिकली देखिए, जरा ध्यान से इसको समझिए कि एंगुलर मोमेंटम को बोल रहा है इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देना आपको, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। तो बोर जो है उनका कहना यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रोटेट नहीं करेगा, हर ऑर्बिट स्टेबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं रिवॉल्व करेगा जहां पर उसके घूमने से, अरे देखो इलेक्ट्रॉन कहीं घूमेगा तो वहां पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, वो डिस्टेंस कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर, और इलेक्ट्रॉन का एक मास तो कुछ तो है ही, तो बेसिकली वहां पे एंगुलर मोमेंटम की कुछ तो वैल्यू बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो एम वी आर होती है। तो भाई किसी रेडियस पे घूमने पे और कुछ वेलोसिटी पर्टिकुलर होने पे बेसिकली आपको एंगुलर मोमेंटम कुछ तो मिलेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे बहुत सारे मिल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस के कॉम्बिनेशन हजार हो सकते हैं, लेकिन वही कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली सिर्फ अगर ये वाले हो जाए, मतलब उनकी वैल्यू अगर इस बराबर हो जाए, जीरो सॉरी जीरो नहीं, वन टाइम्स एच बाई टू पाई, टू टाइम्स एच बाई टू पाई, थ्री टाइम्स एच बाई टू पाई, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई हो जाए, तो भैया वहां पे ऑर्बिट बन सकता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो यानी कि ऑर्बिट बनाने को तो आप किधर भी बनाओ, लेकिन वहां पे एंगुलर मोमेंटम जो आएगा, वैल्यू आएगी, अरे भाई वो इसके बराबर नहीं होगी ना, चक्कर ये है, ठीक है। तो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ये बोर का कहना था। अच्छा यहाँ पे मैं एल एन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एन, बिकॉज एन तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है ये, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये जो है आपका सेकंड पॉस्टुलेट हो जाता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूँ। वैसे बाय द वे ये बहुत ही अजीब और गरीब बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही अजीब बात है। अब आप बोलेंगे सर ये अजीब बात कैसे है, अजीब बात ये इस तरीके से है कि एक्चुअल में अपना जो अर्थ है, अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सन है बेसिकली और यहाँ पे अर्थ है, तो इसे आप किसी भी ऑर्बिट में घुमाइए, तो लेट से कि आपकी मर्जी में R1 ऑर्बिट आ रहा है, भाई वहां घुमाइए, चलेगा, घूम लेगा ये। आपकी मर्जी में आ रहा है R2 ऑर्बिट पे घुमाइए, तो वहां घूम लेगा। अरे आप इसे किसी भी ऑर्बिट में कितना भी नजदीक कितना भी दूर ले जाइए, घूम लेगा, हाँ, लेकिन उस ऑर्बिट में लाके, उस रेडियस पे लाके एक पर्टिकुलर आपको स्पीड देनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। तो उस ऑर्बिट की क्रिटिकल वेलोसिटी दे दीजिए, वो हर जगह घूमेगा यार, कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, अरे हर जगह घूम सकता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली हम ऐसा मानते हैं कि आप सुटेबल वेलोसिटी दीजिए फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस एंड आपका पार्टिकल कहीं भी घूम सकता है। लेकिन ये चीज बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएगा। अरे इसका ये मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर बेसिकली न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन लेट से या तो सिर्फ यहां घूम सकता है, या तो सिर्फ यहां घूम सकता है, या तो सिर्फ वहां घूम सकता है। अरे ये क्या चक्कर है कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम सकता। मतलब बोर का ये कहना था ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए दुनिया यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर उसे घूमना है तो सिर्फ इसी जगह, यहाँ पर इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमना होगा, या तो फिर सीधा इसी ऑर्बिट में घूमना होगा, इस तरीके से। बीच में उसके लिए दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दुनिया है ही नहीं। दीज आर नॉट अलाउड प्लेसेस, दीज आर फॉरबिडन ऑर्बिट्स, फॉरबिडन निषेध है यहाँ पे जाना, प्रोहिबिटेड है बेसिकली। तो ये बात जो है लोगों को हजम नहीं हो रही थी, बट बोर ने कहा भैया देखिए अभी फिलहाल तो आप इन बातों को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आई विल बी एबल टू प्रूव मेनी मेनी फॉर्मूले एंड आई विल बी एबल टू गिव यू द साइज ऑफ द एटम दैट यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटली ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो एक्सपेरिमेंटली आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उसको थ्योरेटिकली करके बता दूंगा कि भाई इसका रेडियस क्या होता है, इसकी स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में, और वो चीजें जो है ना एक्सपेरिमेंट से मैच करेंगी। तो मेरी थ्योरी हो सकता है कि बहुत ही आर्बिट्ररी लगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स उससे आ रहे हैं, और थ्योरी अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रही है तो भले वो कितनी भी वियर्ड हो, भले वो कितनी भी वियर्ड हो, हमें उसे मानना पड़ता है, हमें उसे मानना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स अल्टीमेट जज है। हाँ ये बात अलग है कि देखने के नजरिए वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े बदलते हैं उसी चीज को देखने के, तो कोई आएगा बेसिकली वही रिजल्ट ऑब्टेन करके दिखाएगा अपनी थियरी से, और वो थियरी से और थोड़ी अलग दिखाई देगी, लेकिन अगर वो बेटर सेंस बना रही है बेसिकली और ज्यादा वाइडर ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे खरी उतर रही है, तो फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा कि बोर का जो मॉडल है वो तो कुछ कुछ चीजें करेक्ट दे रहा है, लेकिन हर चीज करेक्ट नहीं दे रहा है। तो आगे से बेहतर मॉडल आएंगे, और मॉडल आए वो उन्होंने जो बोर ने समझाया अपनी थ्योरी से उससे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल बना के वही चीज समझे और वही रिजल्ट ऑब्टेन किए जो बोर आज ऑब्टेन कर रहा है ना। तो बेसिकली बोर ने जो उस टाइम पे ऑब्टेन किए वही रिजल्ट्स
जो है आगे जाके साइंटिस्ट लोगों ने अपनी थ्योरी से ऑप्टेन करके दिखाया, और वो थ्योरी के सबसे जो आइटम दिखता है बिल्कुल इस पिक्चर से अलग दिखता है। बट जब तक वो थ्योरी करेक्ट रिजल्ट्स दे रही है तो बेसिकली हमें मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट्स में घूम रहा है। अच्छा, ये बात मान लेने से एक अच्छी बात दिमाग में ये भी आती है कि बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं ऑर्बिट्स में कन्फाइंड है, अगर इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स में कन्फाइंड है, इसका ये मतलब है कि वो छोटे ऑर्बिट्स में जा ही नहीं सकते। मतलब या तो ये ऑर्बिट या तो ये ऑर्बिट, बाकी कोई रैंडम ऑर्बिट्स में नहीं जा सकता। तो रैंडम ऑर्बिट्स में जब नहीं जा सकता, इन ऑर्बिट्स में नहीं जा सकता, तो इट मींस इट कैन नॉट लूज एनर्जी। बिकॉज लिसन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता, ऑर्बिट छोटा कर सकता, तो इट कैन कंटिन्यूसली एमिट द एनर्जी। कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता जाएगा ना। अरे आपका ऑर्बिट आप छोटा बनाते जा रहे हो तो यू आर कीपिंग ऑन लूजिंग द एनर्जी। बट अगर आप ये बना ही नहीं सकते, इफ इट इज नॉट अलाउड बाय सर्टेन प्रोसेस, लेट्स से कि मान लेते नेचर ने अलाउ ही नहीं किया कि तुम छोटे ऑर्बिट में जा सको, एक ही ऑर्बिट में फंस के रह जाओ, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो बेसिकली ये एमिट ही नहीं करेगा एनर्जी। तो ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जा रही है कि एटम की स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम आ रही थी ना रदरफोर्ड के मॉडल में, बिकॉज वो तो हर जगह पे ऑर्बिट बना सकता था, हर जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी जा सकता था, तो एनर्जी छोटे छोटे अमाउंट में कर करके फाइनली पूरी एनर्जी लूज कर सकता था। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रही है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे एलिमिनेट ये हो गई है, जो लाइन स्पेक्ट्रा वाली प्रॉब्लम थी ना, मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज करता जाए तो फास्ट हो जाएगा, तो बेसिकली एनर्जी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एमिट करता जाएगा, है ना। तो ज्यादा हायर एंड हायर एनर्जी और विद हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी, और हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो बेसिकली हमें जो है एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज कि उसने एमिट किया, लेट्स से ग्रीन एमिट किया, लेकिन जैसे उसका ऑर्बिट छोटा होने लगा तो ग्रीन और लेट्स से कि ग्रीन का आगे मतलब ग्रीन की आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, ब्लू तक भी पहुंच गई, ब्लू भी एमिट किया, और आगे बढ़ता गया, लेट्स से कि वायलेट एमिट कर दिया। तो मतलब शुरू हुआ ग्रीन पे, ठीक है, और खत्म हुआ वायलेट पे। तो ग्रीन से वायलेट के बीच में जो करोड़ों कलर्स हैं, वो सारे कलर्स कवर होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बेसिकली मिलेगा अगर आप रदरफोर्ड के मॉडल को सही माने तो, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। लेकिन बोर का मॉडल को अगर मान के चले तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। और बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रा ही तो हमें दिख रहा था ना, लाइन स्पेक्ट्रा ही तो हमें दिख रहा था एक्सपेरिमेंट्स में, हमें चंद कलर्स नजर आ रहे थे। तो लेट्स से रेड है, ये डायरेक्टली ऑरेंज है, ये लेट्स से ग्रीन है, फिर डायरेक्टली वायलेट है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कलर्स नजर आ रहे थे, बीच के कलर्स गायब थे, बीच की वेवलेंस कहाँ गई इतनी सारी, तो वो सारी की सारी गायब थी। आपने ये मत बोलना कि सात कलर्स ही तो होते हैं, चार दिख गए, तीन नहीं दिखे। अरे बाबा, करोड़ों कलर्स होते हैं, ठीक है, हर वेवलेंथ एक कलर है। वो कलर को हम खाली परसीव करते हैं सेवन डिफरेंट फॉर्म्स में, लेकिन एक्चुअल में करोड़ों कलर्स है। तो यहां से यहां सब कलर्स गए किधर? तो ये कलर्स को जो है रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट बोर का मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, तो यानी कि या तो वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है या यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यानी कि बेसिकली वो यहाँ से जंप कर सकता है। अगर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, वैसे एक और यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है और यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फोटोन की एनर्जी अलग है, ये फोटोन की एनर्जी अलग है, ये फोटोन की एनर्जी अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली कलर्स दिखाई देंगे, हर कलर नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बोर की थ्योरी से ये भी मालूम पड़ता है। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर आप बहुत बातें कर सकते हैं। चलिए एनीवे, तो सेकंड बोर का पोस्टुलेट भी आपके समझ में आ गया है। अब थर्ड बोर का जो पोस्टुलेट है, वही लाइन स्पेक्ट्रा का जो भी मैंने कहा आपको, उसी के ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट, है ना। तो तीसरा पॉइंट में अलग कलर से लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट, इलेक्ट्रॉन कैसा बना दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन डजंट एमिट एनर्जी while being in stable orbits। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट नहीं करता जब वो स्टेबल ऑर्बिट्स में है, but when it jumps from nth higher orbit to pth lower orbit, it emits energy which is equal to difference in
एनर्जीज ऑफ दीज टू ऑर्बिट्स, ठीक है, एंड दैट एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो वो ईजी है, ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा अगर वो एक ही ऑर्बिट में रहेगा, बट अगर वो एंड थायर ऑर्बिट में से जंप करता है पीथ लोअर ऑर्बिट में, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है ना, ये एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट है, एनर्जी ऑफ पीथ ऑर्बिट है, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो है एनर्जी एमिट करेगा, एंड वो एनर्जी जो फोटोन के रूप में बाहर आएगी. फोटोन का जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक इट इज एच न्यू, ठीक है. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉस्टुलेट. तो देखिए तीनों पॉस्टुलेट्स बेहद आसान थे. पहला तो खाली ये बोल रहा है कि एटम बना कैसे. अरे भाई एटम बनेगा मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना उसके अंदर. एक बात याद रखिए, घूमना जरूरी है. अगर इलेक्ट्रॉन को आपने घुमाना छोड़ दिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन घुमाना छोड़ दिया, इट विल सिंपली फॉल ऑफ इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में आके वो गिर जाएगा. तो घूमता रहेगा बेसिकली, तो वो गिरने की कोशिश कर रहा है लेकिन गिर नहीं पा रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है. तो जो उसे न्यूक्लियस पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो पुल जो है बेसिकली एक तरीके से इसको गिराने में असफल हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर स्पीड से भाग रहा है. तो एक्चुअली वो चाह रहा है गिरना लेकिन गिर नहीं पा रहा है, उसी को हम ऑर्बिट बनना बोलते हैं. इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब मैं ग्रेविटेशन की बात करूंगा. चलिए एनीवे, तो सैटेलाइट्स कैसे बेसिकली ऑर्बिट कर रही हैं, ये सारी चीजें जो है वहां डिस्कस करेंगे. चलिए खैर, तो यहां पर जो है हमें एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जो है उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है कूलम का फोर्स प्रोवाइड करता है. तो ये तो हो गया भैया पहला पॉस्टुलेट. दूसरा पॉस्टुलेट जो है वो सिंपली ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, चंद ऑर्बिट में घूमता है. इन ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी एमिट नहीं करता. ये ऑर्बिट हर जगह नहीं बन सकते, वहीं बन सकते हैं जहां पे एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई हो. तो ये हो गया भैया चलो सेकंड वाला अपना, है ना. और आखिरी वाला जो है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी व्हाइल बीइंग इन दिस स्टेबल ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में है तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, बट व्हेन इट जंप्स फ्रॉम द एंथ ऑर्बिट टू द पीथ लोअर ऑर्बिट, एंथ हायर ऑर्बिट से पीथ लोअर ऑर्बिट में जब आएगा तब बेसिकली एनर्जी एमिट करेगा. तो ये तीनों पॉस्टुलेट्स को आप बार बार पॉज करके रिवाइज करके, मतलब बार बार रिवाइज कर लेंगे, दो तीन बार रिवाइज करेंगे, तो जिंदगी भर के आपके दिमाग में बैठ